ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। फ्रांस में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात का यही पैगाम है। औपचारिकताएं धरी रह गईं। मोदी की बात पर कभी ट्रंप ने ठहाका लगाया, कभी ट्रंप की बात पर मोदी खुलकर हंसे। दोनों नेताओं की यारी पाकिस्तान को जरूर लग रही होगी भारी। भारत के पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों आमने सामने बैठे थे, मानो एक दूसरे की आंखों को भी पढ़ रहे हों और एक दूसरे की बातों को समझ भी रहे हों। अंदाज कूटनीतिक था, लेकिन मिजाज दोस्ताना। मोदी ट्रंप का इशारा बन गया दुनिया के लिए अफसाना। जिस गर्मजोशी के साथ मोदी और ट्रंप ने हाथ मिलाया, उसने दोस्ती के नए आयाम को तो परिभाषित ही किया, साथ ही इशारों ही इशारों में दुनिया को बहुत कुछ बयां कर दिया। जता दिया कि किसी मुगालते में न रहिए जनाब, हम तब भी दोस्त थे, हम अब भी दोस्त हैं। मोदी और ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर थे, लिहाजा कश्मीर पर सवाल उठना लाजमी था। फिर क्या, कश्मीर के सवाल वाले गुगली पर पीएम मोदी ने छक्का जड़ दिया। पीएम मोदी ने इस वैश्विक मंच से पाकिस्तान को जवाब और दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है। भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलेटरल है, और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं, और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। दोस्ती की केमिस्ट्री का कमाल इस कदर था कि जो ट्रंप महज कुछ रोज पहले मध्यस्थता का राग अलाप रहे थे, वह मोदी के सुर में सुर मिला रहे थे। विदेश नीति के महारथी मोदी के करिश्मे का यह कोई पहला मौका नहीं था। जापान हो या चीन, मोदी का मैजिक अब मुल्क की सरहदों से पार हो चुका है, जिसमें कूटनीति कब दोस्ती की नीति में बदल जाए पता नहीं चलता। अमेरिका के नाम पर पाकिस्तान अक्सर कहानियां गढ़ता है। उम्मीद है इमरान खान ने भी इन तस्वीरों को जरूर देखा होगा, और अब वो इन्हें देखकर सिर पीटें या फिर नया हथकंडा अपनाएं, ये वो जाने। पर इतना तय है कि मोदी ट्रंप की ये यारी पाकिस्तान को पड़ी है भारी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।